नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नदी अपवाह तंत्र को लेकर, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो नदी अपवाह तंत्र आपके सीजी व्यापम, पीएससी जैसे आगामी परीक्षा, आपके प्रयोगशाला परिचारक, फॉरेस्ट गार्ड, अमीन पटवारी, एडीओ यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए कॉमन सिलेबस है आपका छत्तीसगढ़। तो जितने भी आपके व्यापम में, पीएससी में पूछे गए हैं, यहाँ से नदी अपवाह तंत्र से टॉपिक पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में पूरा बात करूंगा, टॉपिक आपका मौखिक रहेगा, जितना भी टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरा प्रीवियस वर्क क्वेश्चन पेपर और टॉपिक में आपको पूरा कवर कराऊंगा। थ्योरी है, पूरा मौखिक है, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो सभी लोग टाइपिंग करके बताते हैं, सभी लोग बताते हैं, लेकिन मैं आज आपको डायरेक्ट मौखिक बताऊंगा जो जो टॉपिक एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जितना हो सके हम आपको कंडक्ट करेंगे, प्रयास करेंगे बताने का, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। नदी अपवाह तंत्र पूरा टॉपिक रहेगा, जिसमें सभी नदी अपवाह तंत्र में 5 भागों में बांटा गया है, वो पूरा टॉपिक आपको बताऊंगा। उसकी सहायक नदियां, इसका प्राचीन नाम, इसके जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसकी परियोजनाएं से, बांध से, जितने भी जलप्रपात वगैरह है क्वेश्चन बनते हैं, पूरा टॉपिक आपको कराऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ऐसे वीडियो देखने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नदी अपवाह तंत्र के लिए, और जो जो टॉपिक मैं आपको पूछूंगा इस वीडियो में, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना, ठीक है। जो तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए यही वीडियो है, ठीक। जो तैयारी कर रहे हैं, जो लोग व्यापम की तैयारी सही रणनीति में कर रहे हैं ना, वो इस वीडियो को देखेंगे तो उसका आंसर जरूर देंगे। चलिए हम बात करते हैं नदी अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा है कमेंट करके बताएंगे। सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है आपका महानदी अपवाह तंत्र, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है। महानदी की जो लंबाई है प्रदेश में आपका 858 किलोमीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर है। सभी टॉपिक बताऊंगा, सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखना, डेली क्लास लिया जा रहा है। और ये वीडियो पूरा काफ़ी लंबा रहेगा, लेकिन पूरा टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, पूरा मौखिक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं नदी अपवाह तंत्र। तो नदी अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है, महानदी अपवाह तंत्र, उसके बाद आपका है कौन सा नदी अपवाह तंत्र है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र दक्षिण की ओर है, दक्षिण है, ठीक। उसी प्रकार सोन नदी अपवाह तंत्र, यानी कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि उत्तर दिशा की ओर है। उसी प्रकार चौथा है आपका ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, पाँचवा है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, जो कि सबसे छोटी नदी अपवाह तंत्र है। तो महानदी अपवाह तंत्र का मैं आपको लंबाई के बारे में बात करूं प्रतिशत, तो 56.15%। उसी प्रकार आपका गोदावरी नदी का 28.64% या 63% है या 28% है, एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है, 28.63 या 64%, ठीक है। उसी प्रकार सोन नदी अपवाह तंत्र 13.63%, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का 1.033%, और यानी कि आपका सबसे छोटी नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का 0.55% है। चलिए हम शुरू करते हैं नदी अपवाह तंत्र को, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा महानदी, पूरा मौखिक है, महानदी अपवाह तंत्र का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। महानदी अपवाह तंत्र का उद्गम कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, महानदी का उद्गम कहाँ है। तो महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान धमतरी में। इसका विसर्जन कहाँ है, मोहना कहाँ होता है, तो कटक उड़ीसा में। कहाँ होता है मैं आपको पूरा बताऊंगा, नोट्स नहीं कराऊंगा ना, पूरा आप लोग टॉपिक वाइज आप दिमाग में रखेंगे, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बार रिविजन कर देंगे, ठीक है। तो महानदी अपवाह तंत्र का उद्गम है सिहावा पर्वत नामक फरसिया स्थान धमतरी में। इसका मुहावना के बारे में बात करूं, विसर्जन के बारे में, तो इसका विसर्जन आपको कटक उड़ीसा में होता है। लंबाई कितनी है, तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। महानदी की जो लंबाई है आपका प्रदेश में 858 किलोमीटर, जबकि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर। उसी प्रकार शिवनाथ नदी है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, बहने वाली नदी है, इसकी 290 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बारे में बात करूँ तो महानदी के जो प्रवाह जिला है, कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 9 जिले से होकर गुजरती है। कितने जिलों से, 9 जिले से होकर गुजरती है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, वो कौन कौन सा जिला है। तो आपका धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, उसके बाद जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले से होकर गुजरती है। ये 9 जिले हैं आपके, जो महानदी अपवाह तंत्र के
जिलों से गुजरती है। अब इसके नामकरण के बारे में बात करूं तो महानदी अफवाह तंत्र, जिसका प्राचीन नाम है कनक नंदनी, और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे महानदी, तो महानदी का प्राचीन नाम है कनक नंदी। उसी प्रकार आपका सतयुग में, यानी कि सतयुग में वायु पुराण में इसको क्या कहा गया है, तो इसको नीलोत्पला कहा गया है। क्या कहा गया है? नीलोत्पला कहा गया है। उसी प्रकार आपका द्वापर युग में, द्वापर युग में क्या कहा है, यानी कि वायु पुराण में इसको चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है, जबकि वर्तमान में इसको महानदी के नाम से जाना जाता है। ऋषि सिंह, ऋषि आप सभी सुने होंगे, ऋषि आश्रम है ना, वही है जो छत्तीसगढ़ की, यानी कि छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है, जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब मैं बात करूँ यहाँ पर छत्तीसगढ़ मतलब इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो उत्तर की ओर सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर उत्तर की सहायक नदी है शिवनाथ नदी, हरदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी और इब नदी, ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर सहायक नदियाँ। उसी प्रकार दक्षिण की ओर सहायक नदी है दूध नदी, सिलहरी नदी, पैरी नदी, सोंढूर, सूखा जोक और लात नदी, ये दक्षिण की ओर सहायक नदियां हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, उत्तर की ओर सहायक नदी कौन कौन सी है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी और इब नदी। उसी प्रकार दक्षिण की ओर सहायक नदी कौन कौन सा है, दूध नदी, सिलहरी नदी, पैरी, सोंढूर, सूखा जोक और लात नदी, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए शिवनाथ नदी देखेंगे। शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये आपको पूरा मौखिक है। इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे। चलिए यहाँ तक कुछ समझ में आया। चलिए देखेंगे संगम के बारे में। तो संगम है, तीन नदियों का संगम है, आप सभी को मालूम होगा, जिसमें राजिम, गरियाबंद, महानदी, पैरी और सोंढूर। इसका पूरा फुल लेंथ मैंने आपको बताया है, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो राजिम, गरियाबंद जिला, महानदी, पैरी और सोंढूर तीन नदियों का संगम है। उसी प्रकार सिवरी नारायण यानी कि जांजगीर चांपा तीन नदियों का संगम है, कौन कौन से जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग फटाफट, मैं यहाँ पर कमेंट जरूर देखूंगा, है ना। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। शिवरी नारायण यानी कि जांजगीर चांपा जिला में महानदी, शिवनाथ नदी और कौन सी नदी है, जोक नदी। महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी, ठीक। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। इसके बारे में बात करें चंद्रपुर यानी कि जांजगीर चांपा, वो कौन सा है, महानदी, मांड नदी और लात नदी, ये तीनों से संगम में स्थित है। बांध के बारे में बात करूँ तो बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। यहाँ क्लियर आपको समझ में आ रहा है, हीराकुंड बांध, ठीक है। तो हीराकुंड बांध जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक, जो कि ओडिशा से संबलपुर तक फैला हुआ है, ठीक है। अब परियोजना के बारे में बात करूं तो परियोजना आप सभी को मालूम होगा, रुद्री बैराज परियोजना जो कि धमतरी जिला महानदी पर स्थित है। उसी प्रकार आपका दुधवा जलाशय धमतरी पर स्थित है, और आपका गंगरेल बांध यानी कि रविशंकर बांध जो है धमतरी जिला में स्थित है 1989 में, ठीक। अब बैराज के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा कि समुदा बैराज आपका रायपुर में, बाकी जितना भी बैराज है आपका जांजगीर चांपा में है, वो कौन कौन से है, शिवरी नारायण बांध, साराडी, बसंतपुर, बिरौनी और कलमा बैराज, ये सभी आपके जांजगीर चांपा जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी के बारे में बात करूँ तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी 858 किलोमीटर, जबकि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसी प्रकार आपका महानदी अफवाह तंत्र और इंद्रावती नदी अफवाह तंत्र जल विभाजक पर्वत है केशकाल घाटी, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। और राज्य का सबसे लंबा यानी कि सड़क पुल कौन सा है, तो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर आया होगा। और महानदी की दक्षिण की ओर जो सहायक नदी जैसे दूध नदी, सिलहरी नदी, पैरी नदी, इसका प्राचीन नाम एग्जाम में पूछा जाता है पलासनी नदी, सुखा नदी की सहायक नदी है कुड़ार नदी, उसी प्रकार लात नदी की उद्गम है रतन की पहाड़ी में, तेल नदी का जो नोट है आप याद करेंगे देवभोग, गरियाबंद, उद्गम महानदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। इसके बाद शिवनाथ नदी, ठीक है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी कोटरी नदी, ऐसे पूरा एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, पूरा आप लोग उद्गम
मैंने आपको बताया जल विभाजक पर्वत वाला जलप्रपात है ना, इंद्रावती नदी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, और पूरा टॉपिक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आपका बता दिया है। सोन नदी, गोदावरी नदी जो दक्षिण की ओर बहती है, उसी प्रकार सोन नदी अफवाह तंत्र है, ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र है, और आपका आ जाएगा नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। तो नर्मदा नदी अफवाह तंत्र जो है सबसे छोटी नदी अफवाह तंत्र है, और इसका प्रतिशत है 0.55% है ना। और इसका जो सहायक नदी मैंने आपको बताया था जो कि बंजर नदी और ताड़ा नदी, ठीक है, जो कहाँ बहती है, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी बंजर नदी और ताड़ा नदी है, ठीक है। ये दोनों कवर्धा जिले से निकलती है। और ब्राह्मणी नदी के बारे में बात करूँ तो 1.044 या 5%, ठीक है, मैंने आपको बताया था वही है 1.033% ना, ठीक। तो ये जो ब्राह्मणी नदी है उसको भी बांटा गया दो भागों में, एक शंख नदी और दूसरा कोयल नदी। शंख नदी छत्तीसगढ़ में, कोयल नदी झारखंड में बहती है ना। उसी प्रकार मैं बात करूँ तीसरा था सोन नदी अफवाह तंत्र, तो सोन नदी अफवाह तंत्र जो कि उत्तर दिशा की ओर है, जो कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और ये जो टॉपिक है इसकी जो सहायक नदी है बनास नदी, गोबद नदी, रेउड़ नदी, रिहंद नदी और करहा नदी, ठीक है। और मैं जलप्रपात के बारे में बताया था, मयूरा जलप्रपात, ये सब जितने भी जलप्रपात का टॉपिक है ये आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार आपका गोदावरी नदी अफवाह तंत्र बता दिया था, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है, इसका पूरा टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो आपको पूरा नदी अफवाह तंत्र है इसका पूरा टॉपिक आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा। तो ये मौखिक था, और इसका मौखिक ऐसे ही सवाल प्रश्न बनते हैं और इस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसे लगा एक बार कमेंट करके बताएंगे। ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं और क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहेंगे। हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है, जिसमें आपका CG व्यापम PSC जैसे परीक्षाओं के लिए क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगे एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताने के प्रयास करेंगे। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि सूखा नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। या और कौन से छत्तीसगढ़ में जो कौन सा टॉपिक है उसको आप क्लास करना चाहते हैं इस वीडियो में, आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। फिलहाल इतना ही, जय हिंद।